I know that you are having a hard time right now. किचन की साफ सफाई रखना खाली इसलिए ही जरूरी नहीं है कि हमारे किचन सुंदर दिखे, इसका डायरेक्ट रिलेशन हम सबकी हेल्थ से भी होता है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कुछ ऐसे टिप्स फॉलो करके हम अपनी किचन को सुंदर भी दिखा सकते हैं, साथ में उसकी डीप क्लीनिंग का रूटीन भी बना सकते हैं। जब भी किचन की क्लीनिंग शुरू करनी हो तो सबसे पहले काउंटर टॉप को खाली कर लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी हम साफ सफाई करेंगे यही वो स्पेस है जो हमारी हेल्प करता है चीज़ों को रखने में। किचन की क्लीनिंग शुरू करने से पहले मैं डिसाइड कर लेती हूँ मुझे कौन कौन सा एरिया क्लीन करना है, क्योंकि पूरी किचन आप एक दिन में क्लीन नहीं कर सकते हैं, तो बेटर है कि आप इसको पार्ट्स में डिवाइड करके ही क्लीन करें। ये ऊपर वाले कैबिनेट हालांकि लंबे मोप की मदद से साफ हो जाते हैं, पर जो इनके हैंडल्स हैं वो नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए मुझे स्पेसिफिकली इनको ऊपर चढ़कर ही क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे स्टिकीनेस इनके ऊपर जम जाती है। नेक्स्ट मैं क्लीन कर रही हूँ ये कैबिनेट्स के नीचे वाला एरिया। जैसा कि मेरे पास चिमनी नहीं है तो जब भी मैं खाना बनाती हूँ उसकी वजह से नीचे का एरिया काफ़ी चिपचिपा हो जाता है। तकरीबन 15 दिन के बाद मेरा रूटीन है, मैं इस एरिया को किसी भी अच्छे क्लीनर की मदद से क्लीन कर लेती हूँ। अब मैं तैयार कर रही हूँ एक ऐसा क्लीनर जहाँ पर हम केमिकल यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इस क्लीनर की मदद से वहाँ सफाई की जा सकती है। इसके लिए लिया है मैंने थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा लिक्विड डिश सोप और थोड़ा सा विनेगर। काउंटर टॉप के ऊपर ये जो टाइल्स वाला एरिया है ये वाइट कलर का है, तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदा दिखाई देने लग जाता है कुछ टाइम बाद। इसी क्लीनर की मदद से मैं इसको भी क्लीन करती हूँ और काउंटर टॉप को भी इसी क्लीनर की मदद से क्लीन करती हूँ। जब भी आप इलेक्ट्रिक स्विचेस के आसपास सफाई करें तो काफ़ी ध्यान देकर सफाई करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी लिक्विड अगर उसके अंदर जाता है तो करंट वगैरह लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मेरा जो डिश रैक है वो प्लास्टिक का है, मेरे पास स्टील का नहीं है, तो ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और इस तरह से मार्क भी लग जाते हैं इसके ऊपर जब हम बर्तन साफ करके इसमें रखते हैं। तो इसको भी मैं किसी अच्छे स्क्रबर की मदद से डिश सोप के साथ अच्छे से साफ कर देती हूँ, तो इसकी क्लीनलीनेस भी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट एरिया जो मैंने आज के लिए डिसाइड किया था वो था ये लास्ट वाला कैबिनेट। इस कैबिनेट में इस तरह की चीज़ें हैं जिनको हम कैटेगराइज ही नहीं कर सकते हैं। जितना भी रैंडम स्टफ मेरी किचन में है वो सब इसी कैबिनेट में जाता है। इसको क्लीन और मैनेज रखना मेरे लिए एक सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है, तो सबसे पहले मैंने इसको क्लीन कर लिया है, क्योंकि सारी ऑयल बोतल और अलग अलग तरह की चीज़ें इसमें रखी रहती हैं। तो इस बार मैं इसको अरेंज करने के लिए बास्केट्स का यूज़ कर रही हूँ, और बास्केट के अंदर मैं इस तरह का लाइनर लगाने वाली हूँ जिससे कि बास्केट्स को बाद में क्लीन करना इजी रहे। ये अलग तरह के लाइनर होते हैं, इनको आप मल्टीपल टाइम वॉश करके दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह से हमारी वेस्टेज भी कम से कम होती है। इस बास्केट में मैं रख रही हूँ सभी तरह के ऑयल्स और सॉसेस वगैरह, और नेक्स्ट बास्केट में जितना भी इस तरह का रैंडम स्टफ़ है जो क्लीनिंग से रिलेटेड है, वॉशिंग मशीन या वॉश बेसिन, साथ ही मैं डीक्लटरिंग भी कर रही हूँ। मैं ये वाला चोपर मेरे किचन से निकाल रही हूँ जिसको मैंने परचेज किया था। इसके ब्लेड बहुत ज़्यादा शार्प हैं, क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और क्योंकि इलेक्ट्रिक नहीं है मैनुअल है तो उतना ज़्यादा प्रेशर से मैं इसको यूज़ नहीं कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कुछ हम इस तरह की जो बाइंग कर लेते हैं तो डीक्लटरिंग के टाइम पर हम उनको भी निकाल सकते हैं।
अलग अलग कैटेगरी बना के मेडिसन्स को, पिकल्स को मैंने अलग अलग बास्केट में रख दिया है, जिससे कि फिर उनको यूज़ करना इजी रहता है और ढूंढना भी मुश्किल नहीं होता है पूरे कैबिनेट में। सारा सामान बास्केट में रखने की वजह से काफ़ी नीट लुक आता है कैबिनेट का और चीज़ों को एक्सेस करना भी इजी हो जाता है। तो जितने भी खाली बास्केट्स थी वो मैंने ऊपर की तरफ रख दी हैं, जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा स्टफ था और जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो मैंने नीचे की तरफ रख लिया है। हम सबके पास टाइम टू टाइम इस तरह के बहुत सारी बोटल्स इकट्ठा हो जाती हैं जिनको हम किसी ना किसी तरह से रीपर्पस ज़रूर करते हैं, बट आज मैं सोच रही थी इनको कुछ इस तरह से रीपर्पस करूँगी, रीयूज़ करूँगी कि जिससे देखने में पता ना लगे कि इनको फिर से रीयूज़ किया गया है। तो सबसे पहले सारी ही बोटल्स को इस तरह से लिक्विड सोप मिले हुए पानी में डिप करके रखते हैं, जिससे कि इनके स्टिकर्स उतारना ईजी हो जाएगा। तकरीबन आधा एक घंटे के बाद ये देखिए आसानी से ये उतर जाते हैं और फिर आप अपनी बोटल्स को वॉश कर सकते हैं। अब ये बोटल्स एकदम नए के जैसी लग रही हैं, साथ ही में जो इनकी कैप है उनको भी मैं एक नया लुक देने वाली हूँ। तो मैंने कलर डिसाइड किया है जो मेरे किचन कैबिनेट्स का कलर है, सेम कलर मैंने ट्राई किया है बनाने का और ऑलमोस्ट वही शेड आ भी गई है। तो अब हम सारी ही कैप पर इस तरह से पेंट कर लेंगे। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक कलर और इसके ऊपर आप मोजपोज ग्लू लगा सकते हैं, जिससे कि ये वाटरप्रूफ हो जाती हैं और आपका ये कलर निकलता नहीं है। बेटर रिजल्ट के लिए आप डबल कोट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारी नई बोटल्स लग रही हैं। पता नहीं चलता है देखने में कि हमने इनको रीपर्पस किया है। आपकी किचन कैबिनेट्स में आप इनको रखें या तो फिर आप अपने काउंटर टॉप पर रखें, देखने में ये बहुत अच्छी लगती हैं। आप बोटल्स के ऊपर भी पेंट कर सकते हैं अपने किचन से मैच करने जैसा। सेम क्लीनर की मदद से आप अपना ओवन भी क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है। जब आप स्प्रे करते हैं तो ध्यान रख के स्प्रे करें, किसी भी ऐसे एरिया में, ओपन एरिया में स्प्रे ना करें जिससे बाद में बिना ड्राई किए अगर आप ओवन यूज़ करते हैं तो उसकी फंक्शनिंग में कोई भी इशू आए। तो ये देखिए इस तरह से ये क्लीनर बड़े अच्छे तरीके से काम करता है और आपका पूरा ओवन क्लीन हो जाता है। और जो प्लेट है आप उसको ईजिली वॉश कर सकते हैं। हफ्ते से 10 दिन के अंदर आप ये रूटीन अप्लाई कर सकते हैं ओवन को क्लीन करने का। अगर आपको ओवन तुरंत ही यूज़ करना है तो प्लेट को इस तरह से किसी भी सूखे कपड़े से साफ करके आप तुरंत ही उसको यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम बर्तन साफ करके सिंक साफ करते हैं तो अपनी टैप्स को भी बाहर से क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो इसके अंदर का फिल्टर होता है उसको भी महीने में एक बार क्लीन करना ज़रूरी है, जिससे कि पानी के अंदर कोई भी कचरा आया है तो वो इसको जैम ना करे। और ये देखिए इस तरह से खोल कर निकाल कर आप इसको इजीली क्लीन कर सकते हैं। अगर कभी भी आपको लगे कि पानी अच्छी तरह से फ्लो नहीं हो रहा है तो एक बार इसको निकाल कर चेक जरूर कर लें। बाकी हमारी सारी सफाई डन हो चुकी है जो भी मैंने लिस्ट अप किया था आज के लिए। अब बारी आती है काउंटर टॉप की। ऑलरेडी काउंटर टॉप साफ है लेकिन इसको भी एक बार क्लीनर की मदद से क्लीन करना ज़रूरी होता है। बहुत सारे कॉर्नर्स ऐसे होते हैं जहां पर कुछ भी चिपचिपा निशान अगर रह जाता है तो बाद में कॉकरोचेस वगैरह आ जाते हैं। तो एक बार विनेगर मिले इस क्लीनर की मदद से मैं पूरा ही काउंटर स्पेस क्लीन कर देती हूँ। अगारो ब्रांड की तरफ से मुझे रिसीव हुई है ये कॉफ़ी मशीन। बहुत ही अच्छी कॉफ़ी मशीन है, डिफरेंट तरह की कॉफ़ी आप इसमें बना सकते हैं।
इसका जो आउटर लुक है वो स्टील बॉडी का है, जिससे कि इसका लुक बहुत ही एलिगेंट लगता है। इसके साथ आपको मिलता है मेटल फनल और एक स्पून, और ये जो पीछे का वाटर टैंक है इसमें आप पानी फिल करके रख सकते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम लेवल आपको दिया गया है। यूज़ करने से पहले ये कैप यहाँ से हटा लें। मैक्सिमम लेवल तक आप पानी फिल कर सकते हैं। इसमें आप दूध नहीं डाल सकते हैं, इसमें खाली पानी ही डालना होता है। सामने की तरफ तीन तरह के स्विचेस हैं और टेम्परेचर डायल है, और साइड में आपको स्टीम कंट्रोलिंग बटन मिलता है। जब पानी ज़्यादा फिल हो जाए तो आप इस ड्रिप ट्रे को निकाल कर क्लीन भी कर सकते हैं। आपको सिग्नल देने के लिए रेड कलर का फ्लोटर दिया गया है, जिसकी मदद से आपको पता चल जाता है। सबसे पहले मेटल फनल में जितनी भी आपको कॉफ़ी रिक्वायर्ड है वो डाल लें, और इसी स्पून के बेस से आप उसको प्रेस करके नीचे की तरफ दबा लें। पावर बटन ऑन करके टेम्परेचर को रेड लाइन तक आने दें। उसके बाद मेटल फनल को इंसर्ट करके अच्छी तरह से लॉक पोजीशन में सेट कर लें। ब्रूइंग बटन प्रेस करके आपकी अच्छी सी कॉफ़ी तैयार हो जाएगी। स्टीम कंट्रोल नॉब की मदद से मैंने मिल्क को अच्छी तरह से फ्रोज कर लिया है। आप इसको डबल लेवल तक इंक्रीज कर सकते हैं। यूज़ करने के तुरंत बाद ही इसको यहाँ से क्लीन कर दें, जिससे कि इसके ऊपर दूध ना जमे, और चाहे तो मीठा भी आप मिला सकते हैं। तैयार हो गई है आपकी बहुत अच्छी सी कॉफ़ी। अगर आप भी मेरी तरह कंटिन्यू वन गो में पूरी क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं तो आप भी इस तरह के टी या कॉफ़ी ब्रेक ले सकते हैं। मैं पूरी क्लीनिंग के दौरान इस तरह के ब्रेक्स ले लेती हूं, जिससे कि मेरा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और फिर मैं अच्छे से कोई भी अपना काम क्लीनिंग का आगे शुरू कर लेती हूं। कॉफ़ी ब्रेक के बाद मैं कर रही हूँ अपना काउंटर टॉप अरेंज। तो सबसे पहले ये जो मेरे पास रैक है इसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ एक छोटा सा टी कॉफ़ी स्टेशन। तो जितने भी मेरे पास मग्स हैं वो सब मैंने यहाँ पर प्लेस कर लिए हैं। इसके नीचे के एरिया में मैं एक लाइनर लगा रही हूँ, और उसके ऊपर रख रही हूँ मैं अपनी कॉफ़ी, साथ ही मैं कुछ ग्रीन टी के सैशेस। और ये है सिया का सबसे फेवरेट कॉफ़ी मग, क्योंकि सिया को कॉफ़ी बहुत पसंद है तो वो इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाली है। ये वाला कॉर्नर उसका भी फेवरेट होने वाला है। तो जो हमने नए जार्स बनाए थे उनको भी मैं काउंटर टॉप पर अरेंज करने वाली हूँ। तो जितना भी चाय से रिलेटेड मसाला है वो मैंने यहाँ पर डाल लिया है। और इन बड़े वाले जार्स में मैं स्नैकिंग से रिलेटेड सारा ही नमकीन नमक पारे वगैरह डालकर रख रही हूँ। रोटेटिंग ट्रे में मैं इनको अरेंज करने वाली हूँ, जिससे कि बाद में यहाँ पर क्लीनिंग करना भी इजी रहेगा। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, मेरे किचन डेकोर से प्रॉपरली मैच कर रहे हैं। थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड करने के लिए मैं कॉफ़ी मशीन के ऊपर रख रही हूँ एक फेक प्लांट। टिल नाउ द काउंटर टॉप इज लुकिंग लाइक दिस। बहुत ही क्लीन और ऑर्गेनाइज लुक आ रहा है। दिस वाइट रैक इज माई फेवरेट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, लंबा चलता है। अगर हम इसकी साफ सफाई मेंटेन करें तो हम इसकी लाइफ और भी बढ़ा सकते हैं। अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं इसको प्लेस कर रही हूँ अपने कुक टॉप के राइट साइड में। जितने भी हमारे जार्स हैं उनको भी हम अच्छी तरह से क्लीन कर रख देंगे। एंड नाउ दिस इज द फाइनल लुक ऑफ काउंटर टॉप। तो यही था आज के वीडियो में, आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।
just wanna love you, just wanna